पुलिस मित्र टीम के वॉलंटियर्स कर रहे हैं पुष्कर वासियों की निस्वार्थ सेवा। ताऊते तूफान के मद्देनजर कच्ची बस्तियों, झुग्गियों, झोपड़ियों के साथ सरोवर के घाटों पर दे रहे हैं ड्यूटी। तीर्थ नगरी पुष्कर में ताऊते तूफान के चलते उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने आमजन को तूफान से सावधान रहने हेतु अलर्ट जारी किया है। इस हेतु उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर आमजन को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। साथ ही आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर पुष्कर थाना अधिकारी राजेश मीणा ने पुलिस मित्र टीम को पुष्कर में पवित्र सरोवर के घाटों पर अनहोनी को रोकने के लिए तैनात किया। पुलिस मित्र टीम के 20 वॉलंटियर्स को रात्रि से ही घाटों पर तैनात कर दिया गया, जो दोपहर 2 बजे तक घाटों पर तैनात रहे। पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट के साथ राजेंद्र भच्छानी, गिरीश गिरी, मुकेश देवड़ा, सांवरा शर्मा, विनोद कुमावत, चिरंजीलाल कुमावत, मनीष कुमावत, मदन नायक, अल्पेश बाकुलिया, कैलाश कुमावत, अजय नाथ, विष्णु प्रकाश, जितेंद्र, राजेश कुमावत, मुकेश सेन, प्रहलाद प्रजापति, गिरिराज सोलंकी, दिनाश नायक, हीरालाल मीणा सहित अन्य ने व्यवस्थाएं संभाली हुई थी। इसके साथ ही साथ कुछ पुलिस मित्रों को कच्ची झोंपड़ियों में लोगों को तूफान के बारे में जानकारी देने में अपनी झोंपड़ियों को व सामान को सुरक्षित करने के लिए भी तैनात किया गया। इसमें पुलिस मित्र जयप्रकाश, नरेंद्र, दिनेश व सुनील ने लगातार तैनात रहकर मदद की। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जी बताइए जी, चक्रवाती तूफान ताऊते के चलते पुष्कर उपखंड अधिकारी श्री दिलीप सिंह जी राठौड़ व पुष्कर थाना अधिकारी राजेश जी मीणा के दिशा निर्देश पर पुलिस मित्र टीम रात्रि से ही घाटों पर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए तैनात करती गई। साथ ही पुलिस मित्र टीम की एक और टुकड़ी को कच्ची झोपड़ियों में, जैसे बजरंग कॉलोनी और गनाड़ा के आसपास की कच्ची झोपड़ियों में भी आमजन को व झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को जागरूक करने और तूफान की भयानकता का से अवगत करवाया गया। साथ ही उन्हें उनकी झोपड़ियों की और ज़रूरी सामान को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही उनकी मदद की गई। और रात्रि से ही इस तूफान की जो भयानकता थी उसके चलते पुलिस मित्र टीम घाटों पर तैनात रहकर और सरोवर की आवक देखने के लिए जो भी आमजन यहाँ आ रहे थे उन्हें वापस उनके कोरोना गाइडलाइन के अनुसार उन्हें निर्देश देकर उनके घर भेजा गया।